बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर टू है फोर ऑपरेशंस पर। आप लोग जानते हो मैथ के अंदर आप लोगों के पास फोर ऑपरेशंस हैं। एक है एडिशन का, जिसको आप प्लस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन का, उसको माइनस कहते हैं, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। इस चैप्टर के अंदर हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे और चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन, कि हमने वैल्यूज को ऐड कैसे करना है। आप लोग फोर्थ क्लास में भी करके आए हो, थ्री क्लास में भी करके आए हो। पेज नंबर 19 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने इधर बुक्स के ऊपर ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो भी वो ऐसे ऑरल ही इसको ऐड करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आपने नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, सॉल्व the sum in vertical form, remember to write the numerals under each other in the correct columns। अच्छा, इसमें ये है कि थर्ड वाला पार्ट देखिएगा। थर्ड वाले में क्वेश्चन नंबर 3 का जो f वाला पार्ट है उसमें 2 फर्स्ट वैल्यू है 2,100,000 and 9 सेकंड वाली वैल्यू है 87,000 आगे है 654 जो इसकी थर्ड वाली वैल्यू है 34,560। ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एडिशन आप लोगों को आती है, वैल्यूज को ऐड करना आप लोग कर सकते हो आराम से। जो इसमें मेन इसका कॉन्सेप्ट है ना, जो इसके अंदर मेन चीज है वो ये है कि वैल्यू को हमने लिखना कैसे है। एडिशन के अंदर वैल्यूज को लिखना कैसे है वर्टिकली। अगर आप लोग गलत लिखोगे तो ऑब्वियसली आप लोग गलत ऐड करोगे। अगर आप लोग उसको लिखोगे ही गलत वैल्यूज को तो आंसर ऑब्वियसली उसका गलत ही निकलेगा। ऐड बेशक आप लोगों ने ठीक किया हुआ, जब ऊपर नीचे वैल्यूज को ही गलत लिखा हुआ है तो इसका आंसर तो गलत आएगा। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने वैल्यूज को लिखना कैसे है। तो एक बात याद रखिएगा, वैल्यूज अगर दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो या तीन वैल्यूज को ऐड कर रहे हो या चार वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, अगर तो वो दो तीन चार जितनी वैल्यूज को आप लोगों ने ऐड करना है उसमें सेम डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब 3-3 डिजिट्स आ रहे हैं वैल्यूज के अंदर, 4-4 डिजिट्स आ रहे हैं, 5-5 डिजिट्स आ रहे हैं, फिर तो आपको मसला नहीं होगा, आप लोग ऊपर नीचे वैल्यूज को लिखते जाओगे। लेकिन चूंकि जब वैल्यूज में कम या ज्यादा डिजिट्स आएंगे फिर मसला होगा। अगर आप लोग जिसमें मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं सारी की सारी वैल्यू उठा के इधर लिख देता तो फिर इधर से क्वेश्चन जो है वो वैल्यूज एक्स्ट्रा बढ़ जा रही थी, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। तो इसका ये रूल है कि आप लोगों ने दो वैल्यूज को ऐड करना है या तीन को करना है या चार को करना है तो आप लोगों ने वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट ही लिखना है। हर वैल्यू का जो वंस डिजिट है वो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, टेन थाउजेंड के नीचे टेन थाउजेंड। अगर नहीं आ रहा तो खाली इधर से लेफ्ट हैंड साइड से खाली छोड़ दे, राइट हैंड साइड से आपने बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा। जिस तरह इसी के अंदर सी वाला पार्ट है उसमें एक वैल्यू सिर्फ 2 आ रही है, तो अगर 2 लिखेंगे तो वो सिर्फ इधर लिखेंगे 2, इधर कहीं और नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 के अंदर सिर्फ वंस डिजिट है, सिर्फ एक नंबर आ रहा है तो उसको वंस के नीचे ही 2 लिखेंगे, कहीं और नहीं लिखेंगे। सिर्फ मेन चीज इसके अंदर यही है, बाकी एडिशन वाला सिंपल काम है। अगर आप लोग ये चीज ठीक लिख लोगे, वैल्यूज को ऊपर नीचे लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, बाकी आपने सिर्फ उसको ऐड ही करवाना है। तो 9+4 आपके पास 13 आ जाएगा। आप लोग क्या करते हो, 3 यहां लिखोगे और 1 को कैरी ले जाओगे। 6+5 11 11+1 12 2 लिख लोगे और 1 कैरी ले जाओगे। 6 अगेन 6+5 11 और 1 12 2 लिख लोगे, 1 कैरी। 7+4 आपके पास 11 11+1 12 ये आगे चला जाएगा, 1 कैरी। 8+3 अगेन 11 11+1 अगेन 12 ये 2 लगा के फिर 1, 1+1 2 और ये 2 वाला वैसे नीचे आ जाएगा। तो अब हमने कॉमास लगाने हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू जो उसने दी हुई थी इंटरनेशनल डेसिमल सिस्टम के अंदर थी, हमने आंसर में भी कॉमा जो यूज करने हैं वो इंटरनेशनल के हिसाब से ही करने हैं। तो फर्स्ट कॉमा जो लगाएंगे वो पहले 3 वैल्यू छोड़कर फिर 3 वैल्यू छोड़कर हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2,222,223। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हमने ऐसे करना है। बाकी जो पार्ट्स है आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी सी डी
ई एफ ये सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको अच्छी तरह समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये वाला। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 47,236 प्लस डैश 700 इज इक्वल टू 768,259। अब ये वाला क्वेश्चन है जिसमें एक मिसिंग है वैल्यूज, आप लोग इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप लोग हो सकता है फोर्थ क्लास में भी करके आए हो, लेकिन यहां पे इसको गौर से देखिएगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। जो मिसिंग नंबर है आप इसको लेट कर लो, लेट कर लो कोई भी नंबर ए बी सी डी कोई भी लेटर से इसको लेट कर लो। आप लिख लो लेट ए इज द मिसिंग वैल्यू, ए इज द मिसिंग वैल्यू। तो आपने क्या करना है, 47,236 प्लस ये ए आ जाएगा इज इक्वल टू 768,259। अब आपने क्या करना है, ए जो है आपका मिसिंग वैल्यू, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो आपके पास वैल्यू इधर गिवन है ए के साथ, आपको पता है कि इसका साइन क्या है? यहां पर अगर किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता तो उसका प्लस का साइन होता है। अगर कोई वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर क्या होगी, वो दूसरी साइड पे जाकर माइनस होती है। अगर कोई वैल्यू इधर माइनस होती है तो उधर जाकर क्या होती है, प्लस होती है। फिर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 768,259 माइनस 47,236। आपने चूंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है अब उसको माइनस कर दोगे, 768,259 47,236 ये आ जाएगा 320127। तो ये आपने माइनस करना है, 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 8 में 7 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, ये 7 ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर निकला है आपके पास 721,023। तो ये आपके पास मिसिंग वैल्यू जो ए है उसका आंसर निकल आएगा। तो यहां पर पुट कर दोगे इसके 47,236 प्लस 721,023 इज इक्वल टू 768,259। तो ये आपके पास मिसिंग नंबर जो है वो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। इसका आपने सिर्फ एक पार्ट जो बी वाला है सिर्फ वो करना है। इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ये आपके लिए एक नया मेथड है। जो मिसिंग वैल्यू होगी उसको आपने लेट ए कर लेना है, जब लेट ए कर लोगे तो दूसरी वैल्यू जाकर माइनस करवा देना है, माइनस करने के बाद जो ए का आंसर निकलेगा वो दोबारा आपने वहां पर पुट कर देना है तो वो आपका आंसर निकल आएगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको सही से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो बाकी पार्ट जो है क्वेश्चन वो खुद मैं कर दूंगा। तो बाकी क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी नीट कॉपी पे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बुक के ऊपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने नीट कॉपी के ऊपर करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो खुद करके देखिएगा। अगर ना हुआ तो फिर वो मैं करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।